हास्यम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी जंतर मंतर पर, यहाँ पर मिलिट्री के कुछ साथी यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं इसका कैमरा मैन अनुरोध करूँगा कि बैनर दिखाएं और बैनर में लिखा समस्त मिलिट्री फार्म को बंद करने के विरोध में मिलिट्री फार्मों के कर्मचारी द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेके ये यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करें। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर नंदू यादव, मिलिट्री फार्म नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज यूनियन, हेड ऑफिस अम्बाला, और इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये एसोसिएशन हमारी ऑल इंडिया की एसोसिएशन है, हर मिलिट्री फार्मों में इसकी ब्रांच है, हेड ऑफिस उसका अम्बाला है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, जो आपका आज का धरना प्रदर्शन करने का क्या तात्पर्य, आप किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मिलिट्री फार्म डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और ब्रिटिश काल से इसकी स्थापना, पहला मिलिट्री फार्म जो है अंग्रेजों ने 128 साल पहले सन 1899 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की थी और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ अम्बाला, जहाँ जहाँ आर्मी कैंटोनमेंट है, जहाँ जहाँ हम फौज की टुकड़ियाँ हैं, वहाँ वहाँ मिलिट्री फार्म की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य स्थापना का ये था कि हमारी जो फौज के जवान हैं, जो अफसर हैं, उनको ताज़ा दूध और दुग्ध से उत्पन्न की गई वस्तुएं जैसे पनीर, घी, मक्खन इत्यादि, उनको ताज़ा और शुद्ध सप्लाई किया जा सके, ये इसका मेन उद्देश्य था। सर, अभी कुछ आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, वायरल हुआ था कि जो आप शुद्धता की बात करते हैं, तो अभी एक जवान ने वो दाल के अंदर वो कुछ कीड़े वीड़े चलते हुए थे, तो आप कैसी शुद्धता की बात करते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने अगर सुना होगा, एक मेरे स्पीकर, मेरे से पहले स्पीकर थे श्री हरदीप सिंह जी, उन्होंने बताया कि मिलिट्री फार्म डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो शुद्धता के मामले में बिल्कुल प्योर हाथ से निकाला हुआ, मशीनों से निकाला हुआ गाय का दूध फौज को पिला रहा है पूरे हिंदुस्तान में। जहाँ जहाँ मिलिट्री फार्म है, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भी हैं, वहाँ के जितने भी मिलिट्री फार्म के लोग हैं, आर्मी की जितनी भी फौज है, उनको शुद्ध अपने मशीनों से निकाला हुआ शुद्ध दूध जो है नहीं दिया जा रहा। अदरवाइज अगर बाजार में देखेंगे तो सिंथेटिक जो दूध है आजकल आपको पता है, वो पीने पे लोग मजबूर हो रहे हैं, लेकिन फौज जहाँ जहाँ मिलिट्री फार्म है, जो मिलिट्री फार्म का दूध पी रही हैं, वहाँ के अगर किसी अगर फौजी से पूछोगे, वो कभी नहीं कहेगा कि मिलिट्री फार्म को बंद करो। जैसा भारत सरकार ने अभी निर्णय लिया 14 जुलाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, भारत सरकार की जो कमेटी है जिसका कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि भारत सरकार के 39 के 39 जो मिलिट्री फार्म हैं, उनको बिल्कुल शीघ्र प्रभाव से बंद किया जाए और डेडलाइन उसकी 14 अक्टूबर दी है। ये जो सारी रिकमेंडेशन है, आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये एक हमारे जो मनोहर पारिकर करके इन डिफेंस मिनिस्टर से पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने सेवा काल में एक कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर के नाम पर, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनके नाम पर एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी का यही मकसद था कि आर्मी के अंदर पूरा रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, उसकी रिकमेंडेशन दें। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को दी थी और मनोहर साहब तो नहीं रहे, दूसरे जो रक्षा मंत्री अपने फिनांस मिनिस्टर जो थे, वो एडिशनल प्रभार अपना संभाल रहे थे, अरुण जेटली जी, उन्होंने 99 पॉइंटों पे उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर ने, 99 में से 55 रिकमेंडेशन भारत सरकार ने मान ली गई है और सारी की सारी जो 55 रिकमेंडेशन है वो मजदूर विरोधी है। 55,000 आदमियों का ये जो रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे भारत सरकार ने DB लेफ्टिनेंट जनरल DB से कटकर की कमेटी का जो परिपालना कर रही है, उनकी 65 जो उनके एजेंडा पॉइंट्स थे उनको जो एक्सेप्ट किया है, उसके कारण 55,000 कर्मचारी जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। जो मिलिट्री फार्म है 39 के 39 वो सारे के सारे बंद करने के आदेश पारित कर दिए हैं। यहाँ गौरतलब है, सबके लिए पॉलिसी बना दी गवर्नमेंट ने, पक्का आदमी एडजस्ट हो जाएगा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरी आर्मी की कोर में चला जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, लेकिन हजारों की संख्या में जो आज आपके सामने यहाँ पूरे हिंदुस्तान से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं, 30-35 साल अपने जीवन का, अपनी जीवन की जवानी इस डिपार्टमेंट को दे दिया है, आज भारत सरकार कहती है आप लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं।
तो इस वजह से ये सारे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सरकार को जगाने के लिए, उनसे अनुरोध करने के लिए, इनका विचार कीजिए, इनकी पॉलिसी एक एजेंडा भी हमने मेमोरेंडम हमने बनाया हुआ है जिसमें मांग की है सबके लिए आप बंद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके हाथ को पकड़ नहीं सकते, लेकिन जिस तरह आप दूसरे पक्के कर्मचारी को आर्मी के अफसर को दूसरी कोर में भेज रहे हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी जो सिविलियन परमानेंट एम्प्लाइज है मिलिट्री फॉर्म का उसको दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में भेज रहे हो मिनिस्ट्री डिफेंस के, लेकिन जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो 35-35 साल अपने जीवन के इस डिपार्टमेंट में दे चुका है और ऐसे 39 फार्मों में हजारों की संख्या है, उनको हमारा निवेदन है कि पॉलिसी बनाइए और जिनके पिछले दो सालों में 240 दिन पूरे हो चुके हैं उनको नियमित करिए, उनको रेगुलराइज करिए और बाकी पक्के कर्मचारी की तरह उनको भी दूसरे डिपार्टमेंटों में एडजस्ट करिए। ये ऐसी पॉलिसी सरकार को, भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को बनानी चाहिए। दूसरी बात, 14 फार्म 14 अक्टूबर तक बंद हो चुके हैं, सैकड़ों की संख्या में पक्के आदमी आपने एडजस्ट कर दिए मिनिस्ट्री ने, सैकड़ों की संख्या में दैनिक वेतन मजदूर थे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की धाराएं बिल्कुल क्लियर हैं, किसी को रिट्रेंचमेंट करना है उसको नोटिस देना है 3 महीने का, उसको कंपनसेशन 15 दिन के हिसाब से रिट्रेंचमेंट देना है, ग्रेचुटी एक्ट 1972 के हिसाब से 15 दिन की ग्रेचुटी उसको देनी है, किसी भी कर्मचारी को कोई नोटिस नहीं, कोई ग्रेचुटी नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, बिना कुछ दिए उनको घर बैठा दिया गया। तो इसी तरह बाकी जो 39 फार्म है उनके साथ भी यही होने जा रहा है। इसी आवाज़ को उठाने को, इन्हीं की आवाज़ को उठाने, मजदूरों की बुलंद करने के लिए पूरे समस्त मिलिट्री फार्मों से, हिंदुस्तान से यहाँ लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं।